अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी, आज हम लर्न करेंगे डार्विन की इन्फ्लुएंस एंड द राइज ऑफ मेंटल टेस्टिंग। बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास डार्विन एंड रिलेटेड टू द मेंटल टेस्टिंग या आईक्यू या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जो उनसे फिलोसफर्स आते हैं उन्होंने काम किया था, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। डार्विन इन्फ्लुएंसेस की वजह से, ये डार्विन की थ्योरी जो कि आपने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से लर्न की होगी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो इस डार्विन की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे फिलोसफर इन्फ्लुएंस हुए और बहुत जो उनसे हैं पसंद करते थे डार्विन की थेरीज को। बिकॉज आई आल्सो एक्सेप्ट दिस थेरी, इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिलोसफर्स। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये डार्विन से बहुत ज़्यादा जो फिलोसफर इन्फ्लुएंस हुए उनके बारे में आज हम लर्न करेंगे, कौन कौन से डार्विन की थेरीज को लेकर चले और देन उनका मेंटल टेस्टिंग पे क्या काम है। इसमें आप सारा है इंटेलिजेंस के बारे में लर्न करेंगे, आईक्यू लेवल्स आपके होते हैं और फिर आईक्यू लेवल पे मेंटल पे काम किसने किया। बेसिकली हमारे पास जो इंटेलिजेंस आती है उस पे काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, वो आज हम लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू न्यू इन दिस चैनल, सो मस्ट बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी रिसीव्ड हो सकेगा। सो मस्ट बी लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। फर्स्टली हम देखते हैं जीन लेमार्क की बात करते हैं, ये क्या पर्सन थे, ये क्या कहते थे, इन्होंने प्रपोज किया था अडेप्टिव करेक्टरिस्टिक्स। वो कहते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स, आपको सिंपली वर्ड्स में मैं बताती हूँ, जिस तरह की डार्विन की थ्योरी थी इन्होंने भी उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर ये बात की थी। उनका था वो करेक्टरिस्टिक्स जो हमें सोसाइटी में मूव करने के लिए या सोसाइटी में जो है जगह बनाने के लिए हम अडॉप्ट करते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स हमारे ऑर्गेन्स हमारी लाइफ टाइम के लिए होते हैं। मतलब वो हम इनहेरिटेड होते हैं, वो हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिलते हैं और नेक्स्ट हमारी जनरेशन में वो कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दिया करती हूँ बच्चों को, एक रैट है अपने घर की, मैं अक्सर एग्जाम्पल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जैसा कि अगर हमारे घर रैट आ गए है, उनके लिए हमने मेडिसिन यूज की, तो वो मेडिसिन जब उन्होंने खा ली तो बहुत ज्यादा जो डेथ रेट था रैट्स का वो हो गया, लेकिन उनमें से कोई एक जोंसा रैट बच जाता है उस मेडिसिन खाने के बाद भी, देन इज अडैप्टिव करैक्टरिस्टिक्स, उसने उस दवाई के साथ भी जीने की करैक्टरिस्टिक्स को जोंसा है अडॉप्ट कर लिया है। अब जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ऑफस्प्रिंग होंगे उसके, उसको मेडिसिन वो आप दे दें तो उसकी ऑफस्प्रिंग पे बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। ये होते हैं वो करैक्टरिस्टिक्स, आपको एग्जांपल देने का मतलब कि इसकी थ्योरी की समझ आ जाए, वो करैक्टरिस्टिक्स जो आप अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ टाइम के लिए और वो करैक्टरिस्टिक्स जो आपके ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आपकी इवैल्यूएशन की थ्योरी होती है। नेक्स्ट आता है हर्बर्ट स्पिंस का, उसने क्या काम किया था, उसने कहा था, फॉलो किया था इसने लेमार्क को ही और डार्विन के थ्योरीज को, इसने भी कहा था वो प्रिंसिपल जो हम अपनी सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए अपने ऊपर अप्लाई करते हैं लाइक अ लेजिस फेयर पॉलिसीज को, तो वो कहते हैं वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सोसाइटी में मूव करते हैं। ये इनकी दोनों की थ्योरीज थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने हमें क्या कहा था, डार्विन की इनहेरिटेंट पे थी, वो कहते हैं इवोल्यूशन के लिए हमें अपनी इवेल्युएट करने के लिए एम्फसाइज करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं अपने आप को सर्वाइवल रखने के लिए। अब जरा उसी स्टोरी को दिमाग में रखें और ये थ्योरी को समझने की कोशिश करें कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल करने के लिए अपने आप को नेचुरल सिलेक्शन करने के लिए फिट कर रहा है, तो उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो चाहे ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं, तो वो उसमें जो है कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व होगी जिससे वो सोसाइटी में मूव करेगा और इम्पोर्टेंस रखता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। नेक्स्ट काम इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कि हर इंसान जो है दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, और नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है आपके अडेप्टिव बिहेवियर, जो बिहेवियर आप अडॉप्ट कर लेते हैं बिकॉज टू फिट ऑफ द सोसाइटी, अपने आप को सोसाइटी में फिट करने के लिए जो बिहेवियर आप अडॉप्ट करते हैं और फिर वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में मूव ऑन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। जो डार्विन था स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करता था साइकोलॉजी के सब्सिक्वेंट थ्योरीज पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अक्सर डार्विन की थ्योरी पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है
तो आपने बेसिकली दो फिलासफर जो पहले मैंने करवाए उनकी भी स्टोरी को आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी वैल्यूएशन के लिए बहुत मेजरली इन्होंने काम किया था, इन्फ्लुएंस थे ये क्योंकि डार्विन की थ्योरी से। और फिर आपने पर्सनल हिस्ट्री को मस्ट बी इंक्लूडेड। मैं आपको पर्सनल हिस्ट्री को नहीं इंक्लूडेड करवा रही, नहीं बता रही, बिकॉज ये आपको बताएंगे वहाँ से एजुकेशन ली थी, फिर उन्होंने इस चीज़ पर काम किया था, यहाँ पर गए थे उनका सफ़र, फिर दोबारा इंग्लैंड वो वापस आ गए थे, इस तरह इनकी पर्सनल हिस्ट्री है, उससे आप इंक्लूडेड करके उसमें से आप अपने 2 पेजेस बना लें। देन आता है डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी मैंने आपको जैसे बताई है, डार्विन ने इन्फ्लुएंस किया था स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल और स्ट्रगल फॉर द फिटनेस के लिए। तो इसकी जो स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल है, ये वो सिचुएशन है आप किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर जो इन्वायरमेंट में स्पेशली रिसोर्सेज एंड सपोर्ट के लिए आप उसको अराइज करते हैं, ये होती है आपकी स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए वो करेक्टरिस्टिक्स जो आप एडॉप्ट कर लेते हैं अपनी सोसाइटी में मूव ऑन करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर ले, दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, आप अपनी क्लास में हैं, आप अपनी क्लास में अच्छा आईक्यू लेवल नहीं है, लेकिन आप अच्छा आईक्यू लेवल करने के लिए आप डेली बेसिस पे टेस्ट याद कर रहे हैं बिकॉज आप मूव कर सकें अपनी क्लास के साथ, दैट इज़ अ स्ट्रगल, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर्वाइवल फॉर द फिटनेस में भी ऐसे ही है कि आप स्ट्रगल करते हैं अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करने के लिए, आप उतने रिसोर्सेज यूज करते हैं जितने आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करे सर्वाइवल अंडर द सर्कमस्टांसिस, मुश्किल हालात में भी अपने आप को उस सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए आप जो ट्रबल्स कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं या अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर रही हैं, दैट इज द स्ट्रगल फॉर द फिटनेस। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस पे काम करने वाले पर्सन, सर फ्रांसिस गल्टॉन। सर फ्रांसिस गल्टॉन जो थे वो चार्ल्स डार्विन के कज़न थे, वो इनसे वैसे ही इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थे, इन्हीं की स्टडी को लेकर इन्होंने चला, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंस पे काम किया इन्होंने, उस थेरीज को मॉडिफाई किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी थेरी को समझा जाता है। ये इंटरेस्टेड थे मेजरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, कि लोगों में डिफरेंसेस क्यों होता है उसको मेजर करते हैं कि कितना डिफरेंसेस होता है हर पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, किस तरह आईक्यू लेवल उसका डिफरेंट है, कितने परसेंट डिफरेंट है। तो इन्होंने एक कन्वीनियंट तरीके से इंटेलिजेंस एबिलिटी को, उसने कहा कि जैसे हर इंसान के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाती हैं, इसी तरह इंटेलिजेंस भी ऐसी चीज़ है, अगर एक पर्सन का आईक्यू लेवल हाई है तो इस वो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उसके जो बेबीज होंगे न्यू कमिंग, तो उसके भी आईक्यू लेवल हाई होगा, क्योंकि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पेरेंट्स टू चाइल्ड या बर्थ न्यू बेबीज पे। तो उसने कहा कि ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग है ऑफ द ह्यूमंस, की ये एक ट्रांसफर होती है आपकी बाय द बर्थ। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने इंटेलिजेंस को मेजर किया सिस्टमेटिकली, किस तरीके से मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करके, क्वेश्चन राइज डाटा गैदर करके, वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट इसने अप्लाई किया, मेंटल इमेजरी यूज़ की इसने, ये अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ें हैं वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट या मेंटल इमेजरी क्या है। उसके अलावा कोरिलेशन मीडियम निकाल के सिस्टमेटिकली, सो स्टूडेंट इसने क्या किया, बेसिकली इसने क्वेश्चन बनाए, हर एज के बच्चों के क्वेश्चन बनाए और उनसे वो फिलअप करवाए, उनके फिलअप करवाने से उन्होंने उसकी मेंटल एजेंसी है आईक्यू लेवल को डिटरमाइन किया। वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट क्या होता था, दो तरह के वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट होते हैं, आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि इसके आगे कुछ भी एक और न्यू वर्ड बनाए, एक ऐसे होता है आपकी फिलिंडी ब्लैंक्स की तरह होती है और आपका एक वर्ड उसमें मिसिंग होता है, जैसे आप कह लें इंग्लिश में आपके टेस्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं, वो भी आपकी एक आईक्यू लेवल टेस्टिंग ही होती है, बिकॉज हर बच्चे का वो सेम लेवल नहीं होता, हर बच्चा उसको सेम तरीके से नहीं, आपने उसके अंदर फिलअप करनी होती है वर्ड्स को लेके, आपने उसको टेस्ट को अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट आपका मेंटल इमेजरी होती है, आप एक इसके भी डिफरेंट मेथड है, आपको कहा जाता है कि ये आपको कोई पिक्चर का कार्ड दिखा दिया जाता है, उसे भी कहा जाता है कि स्टोरी बनाए, या दूसरा वे इसका ये भी है कि आपको कहा जाता है जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको ड्रा कर लें। तो ये आपके डिफरेंट मेंटल को आईक्यू लेवल को डिटरमाइन करने के टेस्ट हैं। सो नेक्स्ट आते हैं एमसी कैटल, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये भी, कैटल जेम्स है, इसने भी वर्क किया था गल्टॉन पे और डिवेलप किया था जो मेजरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, आप इतना याद रखें, इट इज़ द इनफ फॉर यू के
कि इन्होंने भी गेल्टोन के साथ मिलकर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ही काम किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ी सी आईक्यू लेवल आईक्यू फार्मूला इन्होंने जो सा डेवलप किया था तो मेंटल एज पे काम किया था, इस पर थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ, इंटरेस्टिंग सी या सुन के मजा आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, फ्रांस की जो सी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को जरूरत पेश आई, उन्होंने जब उनकी वॉर लगी तो उन्हें पता नहीं था कि कौन सा बच्चा लाइक है, कौन से बच्चे को हम आर्मी में लेके जाएं, या इस तरह का कोई उनका सिस्टम नहीं था, तो उनकी यूनिवर्सिटी को ये जरूरत पेश आई कि हम आईक्यू लेवल के बुनियाद पे कि कौन से बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंस है और कौन से कम है तो हम इन्हें जरा अलग अलग करें। तो उन्होंने ये काम जो है ना अल्फ्रेड बिनेट को दे दिया कि आप इस पे काम करें, ये वहां के प्रोफेसर थे। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस जो टेस्ट अप्लाई हुआ वो 3 से 13 साल के बच्चों पे बनाया गया, जो कि 1908 में बिनेट एंड स्मोन ने बनाया था। बिनेट ने और प्लस उनके साथ न्यू जो उनके वहां के टीचर थे स्मोन, उन्होंने काम किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फिर मेंटल एज का। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टूडेंट्स इतना दिया है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकती, आईक्यू इज इक्वल टू एम ए अवर सी ए। एम ए मतलब मेंटल एज और सी ए इज अ क्रियोनोलॉजी एज, मतलब के प्रेजेंट एज उसकी, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा फार्मूला आया था, उसके बाद 1916 में रिवाइज हुआ ये आईक्यू टेस्ट का जो सा है फार्मूला, और टर्नमैन एक पर्सन आया, उसने इसको रिवाइज करके रिवीजन करके इसको मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किया कि अगर आपने आईक्यू लेवल को डिटरमाइन करना है तो इसकी परसेंटेज निकालें। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आपकी बुक में मेंशन होगा स्टूडेंट्स, आईक्यू इज इक्वल टू एम ए अवर सी ए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये हमारे पास मेंटल एज की सारी जो इंटेलिजेंस पे काम हुई, अल्फ्रेड बेनेट ने क्या काम किया, ये मैंने आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दी है कि अल्फ्रेड बेनेट ने आईक्यू फार्मूला, बेसिकली आईक्यू फार्मूला इन्होंने ही प्रपोज किया, इन्होंने ही डिवेलप किया, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट ने, फ्रांस की जो बेसिक यूनिवर्सिटी थी उन्होंने इन्हीं के ऊपर काम दिया था तो रिस्पॉन्सिबल यही थे। लेकिन इसको रिवीजन जिस पर्सन ने आके किया था, याद रखिएगा उसका नाम टर्नमैन, वो पर्सन है जिसने 1916 में आके इस फार्मूले को रिवाइज किया और इसमें इंप्रूवमेंट की, जो कि आजकल हम आईक्यू लेवल का फार्मूला यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन ये भी जानना चाहता है कि अपना आईक्यू लेवल या आईक्यू के बारे में ज्यादा, तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्दी इस पे एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इंटेलिजेंस पे सारी वीडियो के ऊपर जो होगा पूरा लेक्चर होगा, इंटेलिजेंस आपकी क्या होती है, किस तरह इसको ग्राफ की सूरत में हम देखते हैं, किस पॉइंट पे। अक्सर लोग कहते हैं, आपको इतनी इंफॉर्मेशन देती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं मेरा आईक्यू लेवल 100 है, तो 100 आईक्यू लेवल इज अ नॉर्मल आईक्यू लेवल, ओके बस इतना याद रखिएगा, 100 आईक्यू लेवल इज अ नॉर्मल आईक्यू लेवल। अगर आप में थोड़ी सी स्टूडेंट्स माइंड को सेटिंग करें तो देखें, अगर आपकी 22 साल उम्र है और 22 साल ही आपकी मेंटल एज है तो जो आपकी 22 और 22 तो क्रॉस हो गई ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई 100, मतलब आईक्यू लेवल 100 इज अ नॉर्मल है आपकी, ठीक है। अगर आपकी एज और मेंटल एज दोनों इक्वल जा रही है तो आपका आईक्यू लेवल 100 होगा और आईक्यू लेवल जो 100 है वो नॉर्मल है। अगर आपका 115, 130 ये आपके हाई आईक्यू लेवल होते हैं, 145 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका आईक्यू लेवल होता है। सो स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इस पे बहुत इन डिटेल आईक्यू लेवल पे भी मैंने वीडियो बनानी है इंटेलिजेंस पे, वहाँ पे आप इन चीज़ों को समझिएगा। लेकिन इस लेक्चर में मेरे ख्याल से अल्फ्रेड बिनेट के बारे में अगर कोई पूछता है तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ल्स स्पीयरमैन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पीयरमैन जो सा पर्सन आया था, इसने बेसिकली हमारे पास जो सी है आईक्यू लेवल पे ही काम किया था, इसने इंटेलिजेंस पे, इसने पहले हमें कहा कि यूनिफैक्टर थ्योरी, इसने दो थ्योरी हमें दी थी। फर्स्टली इसने कहा था यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी का मतलब एक सिंगल फैक्टर होता है जिस पे उसने काम किया, उसने कहा वो सिंगल फैक्टर आपकी एबिलिटी भी हो सकती है, आपकी लॉजिकल भी होती है, आपकी मेजरेबल भी होती है, ठीक है। उसके बाद जो इनकी इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग यूनिफैक्टर पे काम नहीं करते, इसके टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द स्पीयरमैन के नेम से बहुत मशहूर है। टू थ्योरी फैक्टर थ्योरी के नेम से आपको पता चलेगा कि इसकी थ्योरी में दो चीजें हैं, एक है जनरल एबिलिटी, एक
आपके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो कॉमन एबिलिटी होती है, जो सब पर्सन के पास होती है, ठीक है। और स्पेसिफिक एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो कॉमन नहीं होती, हर पर्सन के अंदर वेरी कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जनरल एबिलिटी, जैसे कि लेक्चर हो रहा है, हर बच्चा सुन रहा है, डेट इज अ जनरल एबिलिटी। लेकिन उन बच्चों में से कितने बच्चे उस नॉलेज को अटेन कर रहे हैं, कितने बच्चे उस नॉलेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डेट इज अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक है, स्पेसिफिक एबिलिटी। सो आपने अगर स्पीयरमैन का याद रखना है टू फैक्टर थ्योरी इन्होंने प्रपोज की। टू फैक्टर में स्पीयरमैन ने दो चीजें दी, जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी इज अ जी फैक्टर एंड स्पेसिफिक एबिलिटी इज द एस फैक्टर। जी फैक्टर आपकी कॉमन एबिलिटी है, एस फैक्टर आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। जो जी फैक्टर कॉमन एबिलिटी है वो हर पर्सन में होती है और वो हर पर्सन में सेम भी हो सकती है, लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है वो हर पर्सन में नहीं होती, हर पर्सन में वो वेरी कर रही होती है। किसी के पास कोई एबिलिटी होती है, किसी के पास कोई एबिलिटी होती है। सो स्टूडेंट्स, ये इनका बेसिकली काम था। टर्नमैन का आज इतना है। टर्नमैन मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने रिवाइज किया था आईक्यू लेवल को, तो इनका बेसिकली इतना ही है। इन्होंने आईक्यू लेवल को रिवाइज करके हमें आईक्यू लेवल का फॉर्मूला दिया था। जी बिल्कुल, इसके अगर आप डेफिनेशन भी देखें तो हमारे पास मिनी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो आया था उसने आईक्यू लेवल इज इक्वल टू एम ए ओवर सी ए दिया था, लेकिन जो टर्नमैन हमारे पास आया था लेविस, इसी का नाम है स्टूडेंट्स ये कंप्लीट, तो इसने मल्टीप्लाई 100 करके हमें कंप्लीट आईक्यू लेवल दिया, जो कि इज अ परफेक्ट फार्मूला ऑफ द आईक्यू लेवल है। यूएसए के कल्चर से जो है कॉम्पेटिविटी है इसकी, और इंस्ट्रक्शन यूज की इसने, आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा टेस्ट भी इसने हमें दिए थे। आर्मी अल्फा और बीटा भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो स्टूडेंट्स, अगर जी बिल्कुल, आपके आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा मेरे ख्याल से मेंशन नहीं है इस कोर्स में, या आपके न्यू आने वाले जो उनसे सेमेस्टर्स हैं उसमें होगा आर्मी अल्फा एंड बीटा, आई थिंक सो। मुझे तो नहीं मिला यहाँ पे ये सब कुछ जी। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो ये आपके इस चैप्टर के लिहाज से इनफ है मटीरियल। और इसके अलावा डार्विन की थ्योरी के लिए आप थोड़े से इसकी पर्सनल हिस्ट्री को इंक्लूडेड करें। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल पर जरूर विजिट करें, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड जून से सेमेस्टर उसके तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सो मस्ट बी लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।